हेलो फ्रेंड्स, ये गाड़ी मेरे पास BS6, इसके पीछे की ब्रेक रुक रुक के लग रही थी, कभी मार रहे थे कभी लग रही थी कभी नहीं लग रही थी। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही आपको दिखाता हूँ। कहीं ये खुलवाई हुई है गाड़ी, इसका पिस्टन टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है ये टॉक टॉक के, तो ब्रेक इसकी सही से नहीं लग पा रही थी। तो इसके लिए हमें इसकी ये मेजर किट, रियर कैलिपर की ये मेजर किट है, इसकी MRP, ये इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी फटाफट से फिटिंग करते हैं इसको, और किस तरीके से फिटिंग करनी है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका पिस्टन, ये हमें बाहर निकालना पड़ेगा प्लास की मदद से, हम इसको बाहर निकाल लें। अब आप देख सकते हैं यहाँ ठोक ठोक के पिस्टन का यहाँ से फेस खराब कर दिया है, किसी ने काम करा था इस गाड़ी का। ये दो वेल्डिंग लगती है, एक ही वाली वेल्डिंग, एक ही वाली वेल्डिंग, एक पतली वेल्डिंग होती है, एक मोटी वेल्डिंग होती है दोस्तों। बाकी इसके साफ सफाई कर लेता हूँ मैं पहले फटाफट। इसकी किट के अंदर देख सकते हैं आप क्या क्या आता है दोस्तों। इसके दोनों वेल्डिंग, ये पिस्टन, फिलहाल इनको लगाते हैं अभी। और ये वाइट ग्रीस, और ये वाला बोल्ट एयर निकालने वाला, ये इसकी कैप, दोनों कैलिपर की है, रबर। बाकी करते हैं फटाफट से फिटिंग। पहले जो लगानी है हमें मोटी वाली वेल्डिंग लगानी है, चार तरफ से सही से बैठा लेनी है। हमारी ये वेल्डिंग बैठ चुकी है, और फ्रेंड्स जब भी आप डालें रॉयल इनफील्ड में अपनी बुलेट में कोई भी अगर पार्ट डालते हैं तो जेन्युइन पार्ट ही डालें दोस्तों। अब इस ग्रीस की हमें आवश्यकता कहाँ पड़ने वाली है, ये हमारा नया वाला पिस्टन और ये पुराना वाला पिस्टन, आप देख सकते हैं इसी तरीके से इसकी रबड़ की रिमोट का भी लगा लेंगे हम, जो कि पिस्टन हमारा आसानी से बैठ जाए। पिस्टन हमारा बैठ चुका है और इसकी ईयरिंग, ये अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, बाकी हमारे ठीक है, हम इनको चलने देंगे। बाकी चलते हैं फटाफट से फिटिंग करते हैं।
फिर एक पैडल दबा रखा ना, चार पांच बार पैडल मार। अब ब्रेक पैडल को दबा कर रखिए, ठीक है। अब पैडल चला, ब्रेक ऑयल कम तो नहीं हुआ, खत्म तो नहीं हुआ उसमें, बस दबा के रखियो। ठीक है, प्रेशर बन गया सही, ठीक है, ब्रेक लग रही है ना फर्स्ट क्लास, ठीक है। बाकी गाड़ी को चला के देखते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी हमने चला के देख ली, जो इसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। जो इसमें ब्रेक नहीं लग रही थी सही से, कभी लग रहे थे कभी नहीं लग रहे थे, और प्रॉपर सही तरीके से ब्रेक नहीं लग पा रही थी, वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो चुकी है।